مامون دربره دلا رو میخوره چربلا میپره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس آقامون دلبره اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد برادران عزیز برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو آج کل حالات جو چل رہے ہیں ایسے حالات میں سوشل میڈیا پہ فرقہ وارانہ ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं कि जिसमें फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है और उसमें बहुत सारे जो क्लिप्स आ रहे हैं उनमें एक ही क्लिप्स ये भी आ रहे हैं और ये सवालात भी उठ रहा है कि शियाने अली असाबे पैगंबर को नहीं मानते और आगे वो बढ़ के दलील ये देते हैं कि जनाब अबू बकर और जनाब उमर फ़ारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोए हुए हैं लेटे हुए हैं इनकी कब्रें हैं साथ रसूलुल्लाह के। सबसे पहली बात तो ये है कि बारहा बार हम इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम असहाब पैगंबर को मानते हैं, हम किसी असहाब पैगंबर की तोहीन नहीं करते। शिया मज़हब में हमारे उलमा के नज़दीक मराजुज़्ज़ाम के नज़दीक असहाब पैगंबर की तोहीन करना हराम है। जो भी असहाब पैगंबर की तोहीन करता है वो हराम फेल का मुर्तकब होता है और हराम करने वाला गुनाहगार होता है। हम तो सहाबा के ग़ुलाम हैं मगर हमारे पास एक शर्त है, वही शर्त है कि जो जनाब अकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उन्होंने हमारे आपके सवाल का जवाब हमारी तरफ से जनाब अल्लामा इकबाल ने दे दिया है। जिसने भी बादस वफात रसूल बादस वसाल रसूल बादस शहादत रसूल जिसने भी रसूल से वफा की है तो हम तेरे हैं। वफा का महवर क्या है, वफा की कसवटी क्या है, वफा का मियार पैमाना क्या है, वफा का प्यार है अहले बैत पैगंबर और रसूल ये मियार देकर गए हैं कि नितारिक उनफिक मुस्तकल है किताब अल्लाह वतरत अहले बैती कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है। जिसने कुरान और अहले बैत को थामा और अहले बैत की पैरवी की अहले बैत का एहतराम किया तो वही बात आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। रहा मसला ये कि असहाब पैगंबर वहाँ पे सोए हुए हैं दो सहाबा और शिया उनसे जैसे बाबा हमें जैसे होने की नहीं, लेकिन ये मैं आपको इसके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ कि बादस विसाले रसूल सबसे पहले किसका विसाल हुआ, किसकी शहादत हुई, जनाबे लखते जिगरे पैगंबर जिसके रसूल फरमाया फातिमा तो बजा तो मैंने फातिमा मेरा टुकड़ा है, रसूल के लखते जिगर खतून जन्न सैदा फातिमा सैयद सलाम तय्यबा ताहिरा बतूल अजला का विसाल होता है, शहादत होती है। तो ज्यादा हक तो बाबा के साथ सोने का बेटी का था मगर नहीं तो फिर मानना पड़ेगा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जगह ना दिए जाना इस बात की दलील बनता है कि वहां पर लोगों ने अहले बैत पैगंबर को छोड़ दिया। माहौल ऐसा बन गया कि खतून जन्नत को यह कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा यह जुल्म है कि खतून जन्नत को अपने बाबा के पहलू में सोने की इजाजत नहीं देगी। किसने इजाजत नहीं दी, हालात वो क्या थे आप लोग बेहतर जानते हैं। फिर जनाब मौला कायनात को कूफा में कहाँ नजफ़ है, कूफा में शहीद किया गया, नजफ़ कहाँ है, इतनी दूर क्यों गए। हालात वाकयात अहले बैत पैगंबर को लोगों ने छोड़ा, यहाँ तक छोड़ा कि जुल्म पे लोग उतर आए। और इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब जहर मिली तो इमाम हुसैन को वसीयत की कि जाके पूछ करके आए कि मैं अपने नाना के पहलू में सोना चाहता हूँ। तो हालात ऐसे बन गए कि सोने की इजाज़त नहीं देगी। तो बाबा सबसे ज्यादा हक तो उन लोगों का होता है कि जो उनके अपने होते हैं मगर यहाँ पर उनको उनका हक नहीं दिया गया तो फिर मानना पड़ेगा अहले बैत पैगंबर को लोगों ने छोड़ा। हालात ऐसे बन गए कि वहां पर रसूलुल्लाह के साथ पहलू में सोने की जगह तक न दी गई। ये एक लम्हा फिक्रिया है, इस पर बात करने से पहले ये देखें कि सबसे ज्यादा हक किसका था।
और हम मसला हम साहब पैगंबर को नहीं मानते। मैंने बारह बार कहा कि हम साहब पैगंबर के कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, मगर साहब पैगंबर की जो कसवटी वो पैमाना है वो अहले बैत पैगंबर है। जिसने भी अपने दौर में अहले बैत से वफा की है तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, पमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। قامون دلبره دلارو میخوره شربلو میپره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه